कि कोई मैंने फॉल्स लैशेस नहीं अप्लाई की। अस्सलाम वालेकुम मैं YouTube फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो जो आज का ये लुक है जिस तरह मैंने क्रिएट किया है, तो ये बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी है। बालों का मैंने कोई स्ट्रेट कुछ भी नहीं किया, कोई स्टाइलिंग नहीं की, बिकॉज इस लुक के साथ मैं थोड़े से मैसी और थोड़े से इस तरह के बाल चाहिए थे। सो चलिए लुक को क्रिएट करते हैं, बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आप अपने बाल बंद कर लेने। यहाँ पर मैंने अपने बाल बंद कर लिए हैं और उसके बाद अभी मैं स्टार्ट करूँगी अपना मेकअप। जो मेरा मेकअप स्टार्ट होता है वो हमेशा जो है मेरा मेकअप लिप बाम से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो मेरे लिप्स हैं वो सुपर ड्राई हैं। यहाँ पर मैं लिप बाम अप्लाई कर लिए, लिप बाम को अच्छे से अप्लाई करने के बाद, ताकि जो आपके लिप्स हैं वो ड्राई ना हो। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा वो है प्राइमर। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का प्राइमर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर अप्लाई करने से जो आपका बेस होता है वो फ्लॉलेस लगता है। अच्छे से आपने प्राइमर को अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करना है, नेक पे भी साथ साथ लगाना है, और इवनली बहुत ही अच्छे से आपने अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। जब तक हमारा प्राइमर अब्जॉर्ब होता है तब तक हम थोड़ा सा फाउंडेशन ले लेंगे अपने हाथ की बैक पे। और फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आपने मॉइस्चराइज करना है स्किन को। ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, अच्छे से अब्सॉर्ब करना है। जब तक मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे आपने पूरे फेस पे अच्छे से ही आपने अप्लाई करना है। कोई सा भी अगर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं फाउंडेशन ले रखा था उसी को मैं डॉट डॉट करके यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी। आप चाहें तो इसको ब्रश की हेल्प से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपने अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। अगर आपको पहले पहले ये वाइट कास्ट देगा, लेकिन ये टाइम के साथ बिल्कुल बिल्कुल सेट हो जाता है, तो हम मेकअप अपना फिनिश करेंगे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। आपने नेक को भी नहीं भूलना, नेक पे भी अप्लाई करना है। जो फाउंडेशन आपने अप्लाई कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, कॉम्पैक्ट को इस तरीके से लेके ब्रश की हेल्प से आपने डैब डैब करके आपने अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा आपने पाउडर नहीं लगाना, ताकि ये हल्का सा जो है ये सील हो जाए। उसके बाद अभी मैं ले लूँगी आई शेडो। शेडो के लिए यहाँ पे मैंने लाइट पिंक से शेड लिया है। पूरी लिड के ऊपर आपने अच्छे से इसको अप्लाई कर देना है फिंगर की हेल्प से। पूरी आई लिड के ऊपर आपने लगा लेना है। आई शेडो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं काजल पेंसिल ले रही हूँ, उसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। लाइनर यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे, लाइनर की जगह पे आपने काजल पेंसिल यूज़ करनी है। एक बेसिक सी आपने लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों आईज़ पे आपने काजल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ले लेनी है आईब्रो पेंसिल। आईब्रो पेंसिल जो यहाँ पे मैंने ली है, इसके साथ स्पूली भी लगी हुई है।
और ये डार्क ब्राउन कलर में है। आपने कभी भी ब्लैक से अपने अपने आईब्रोज फिल नहीं करने। जब हल्के से स्ट्रोक्स आपने लगा लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श किस्म के आपने फिल नहीं करने, उसके बाद आपने स्पूली की हेल्प से इनको कॉम कर लेना है अच्छे से। आईब्रो करने के बाद यहाँ पे अभी हम मैं मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारे की जो है वो आपने 2 से 3 कोट लगाने हैं दोनों आईज पे बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हम फॉज लैशेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इफेक्ट जो है वो फॉज लैशेज का ही देना है। तो आपने अच्छे से जेमरसली आपने इस मस्कारा को अप्लाई करना है दोनों आई लैश पे। ह्यूज डिफरेंस नज़र आता है अगर आपने अच्छे से अप्लाई किया हुआ मस्कारा। अगर आपको मस्कारा कहीं भी फैल रहा है तो आपने उसकी फिक्र नहीं करनी, आपने जस्ट अप्लाई करना है। जब मस्कारा आपका ड्राई हो जाएगा तो उसको ब्रश की हेल्प से हम बाद में रिमूव कर लेंगे। जी यहाँ पे मेरा मस्कारा जो है वो डन हो गया है, कितना ह्यूज डिफरेंस आया है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर क्रीम ब्लश के तौर पर लिपस्टिक से मैं अपना ब्रश लगा रही हूँ। ब्लश लगाने के बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक यहाँ पे मैं शॉकिंग पिंक कलर की लगा रही हूँ, क्योंकि हमने जो आईज थी वो सिंपल रखी थी, तो इसलिए डार्क लिप्स जो है वो यहाँ पे मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक डन हो गई है। अभी मैं यहाँ पे मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा चिन पे, नोज़ पे, फॉरहेड पे और हाई चीक बोन्स पे आपने जो है हाइलाइटर लास्ट में अप्लाई करना है। इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है मेकअप में। सो हेयर इज़ इट, हमारा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा मस्कारा ड्राई हो चुका था जो हमने अप्लाई किया था, तो उसको ब्रश की हेल्प से अगर कहीं भी लगा हुआ है तो हम इस तरीके से उसको क्लीन कर लेंगे। अपने मस्कारा लगाते वक्त इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। सो अभी मैं चेंज करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक ही होने वाला मेकअप है। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, उसके साथ लगे हुए आल पे क्लिक करें बटन पे, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले बआसानी मिल सकें। अगर ये लुक आपको पसंद आया हो तो ख़ुद से क्रिएट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।